जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वरिष्ठ साहित्यकार को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? ए डॉक्टर सूर्यवाला, बी डॉक्टर आदित्य, सी डॉक्टर कलिंगा या डी डॉक्टर नारायण। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। पानी विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। भागलपुर, माघी पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने भागलपुर के गंगा तटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माघी पूर्णिमा पर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भागलपुर, बांका, नवगछिया सहित आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों से पहुंचे लोगों ने गंगा स्नान किया। वहीं माघी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने, दान और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वहीं माघी पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहाने से पुण्य होता है। बाल बच्चा के लिए सुखी संपन्न मांगने गंगा माँ से मांगते हैं। और क्या पूर्णिमा ज्योति बिहार से आए हैं हम लोग, सबको देख के सोचे हम लोग भी नहा लेते हैं। ना तो पता ना ऐसा माना जाता है, पुण्य होता है, पुण्य होता है। कहाँ से आए? यहीं से आए, ज्योति बिहार से। आज हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। आज माघी पूर्णिमा है और हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति आती है। गंगा स्नान करने आए हैं और आज माघी पूर्णिमा है और आज गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति मिलती है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहाँ उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 Mile नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। भागलपुर, माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान को लेकर गंगा घाटों पर दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने भागलपुर के गंगा घाटों पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रत्येक गंगा घाट पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। साथ ही SDRF की टीम कमांडर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में लगातार बोट से भ्रमण करते हुए लोगों को सावधानी पूर्वक गंगा स्नान करने को लेकर जागरूक करते दिखे। वहीं इस दौरान SDRF के कमांडर ने बताया कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही। जो आए हुए हैं माघी पूर्णिमा पर SDRF टीम आप लोग का अभिनंदन करती है। कृपया करके अपने बच्चों को हाथ न छोड़े, कमर भर पानी में स्नान, ध्यान, पूजन पाठन करें। कोई भी आगे तैरने के लिए न जाए क्योंकि बहुत ही गहरा पानी है, एक दूसरे को देख करके आगे जाने आने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया कोई भी नहीं इस्तेमाल करें। सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि अपने बच्चों को ख्याल रखें, जितने बुजुर्ग लेकर के आए हुए हैं यहाँ। विक्रमपुर महोदय के आदेशानुसार SDRF की टीम कलगांव, सुल्तानगंज, भागलपुर में लगी हुई है, जिसमें 25 कार्मिक लगे हुए हैं और सभी जगह रेस्क्यू राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। माघी पूर्णिमा में बहुत भक्त
का भीड़ लगा हुआ है। सभी को आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग कमर भर पानी में स्नान ध्यान पूजन पाठन करें। और सभी मीडिया भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी के सभी लोग अपना चैनल के माध्यम से और SDRF के भी सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए सभी मीडिया भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके जितने भी आए हुए श्रद्धालु वो भी समझ रहे हैं और कि कमर भर पानी में स्नान करना चाहिए। कोरोना समय का समय चल रहा है, दूसरा स्टेज, इसलिए बार बार उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करना है और अपने बच्चे को भी ख्याल रखना है। वो लोग कर रहे हैं, प्रशासन ने कुछ तहदी माने व्यवस्था किया गया है, कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी हुई है, क्योंकि SDRF टीम बार बार उनसे अपील कर रही है, इसलिए कोई भी अप्रिय घटना घटेगी भी नहीं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं और मेरे जवाब जवान जितने SDRF को लगा हुआ है वो अपना पूरी की पूरी मुस्तैदी से कार्य करेंगे, आपदा सेवा धर्म निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर आयोजित की गई बैठक। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भागलपुर के सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने वाले कार्य योजना बनाए जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि भागलपुर केवल सिल्क सिटी के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि यहां सिल्क उद्योग फिर से देश और दुनिया में अपनी बुलंदियों को छुएगा। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के लोगों की सभी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की बात कही। बैठक के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन, बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार, DM सुब्रत कुमार सेन, भागलपुर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रामशरण राम, महापौर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह सहित भागलपुर एवं बांका जिले के उद्योग विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। उद्योग मंत्री बनने के बाद ऐसे तो मेरे मंत्रालय में कई बैठक मैंने की है, लेकिन किसी जिले में जाकर ये पहली बैठक। मकसद है कि उद्योग विभाग की जो जमीनें हैं वो मैंने पूरा रिव्यू उसके लिए जानकारी ले ली है। यहाँ पे फोल्डर भी एक आए होंगे, तो यहाँ पर हस्तकर्धारी जो कार्यरत बुनकर हैं, जो बैंक का खाता है उसमें 10,000 रुपये जो कार्यशील पूंजी है। सिटी की सिर्फ नाम का नहीं, काम का भागलपुर हो, इसके लिए विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। बुनकर का दर्द भी सुना है और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान बुनकर हुआ है, तो इन चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। हमारे पूरे अधिकारी यहाँ आए, जो सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के भी, रेशम बोर्ड के भी लोग थे, उन सब से बातचीत करके उस मसले का हल करेंगे। अभी सिल्क सिटी देखने हम जा रहे हैं कि वहाँ कितना काम हुआ है नहीं हुआ है, इसको एक बार विज़िट करके उस पर फिर निर्णय आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी हो। सिल्क वाली जो पहचान है वो भागलपुर की, कैसे वो लौटे, इस पर काम कर रहे हैं। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर माघी पूर्णिमा को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माघी पूर्णिमा को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर बिहार एवं झारखंड के विभिन्न जिले के शिव भक्त गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। कोरोना महामारी व लॉकडाउन होने की वजह से अन्य राज्य के कांवरिये नहीं पहुंच पाए, वहीं इस दौरान अजगैवी नाथ जूना अखाड़ा के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि शिव भक्त एक माँ
माघ के महीने में सुबह स्नान ध्यान कर गंगा पूजन करने से लाभ प्राप्त होती है, उसी के कारण माघी पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन भक्त गंगा स्नान कर माँ गंगे की पूजा अर्चना करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, इससे सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। और बहुत शुभ दिन माना जाता है और एक महीना लोग बाग मेहनत करते हैं, माघ माह तो नहाते हैं और लोग बाग पाठ पूजा करते हैं, उसके बाद आज पूर्णिमा के दिन स्नान दान पुण्य करते हैं और बहुत शुभ दिन होता है। कुछ करुणा को लेकर के घाटों पर हर जगह इस बार भीड़ कम है, सभी जगहों पर यही स्थिति है और लोग बाग सावधानी बरत रहे हैं, सावधानी से लोग बाग आए हुए हैं और अपना जल धार के जा रहे हैं। और माघी पूर्णिमा है ये तो हर साल आने वाला है और बहुत शुभ माना जाता है। क्या इसे का महत्व है सर, विशेष महत्व क्या है जो लोग महत्व है? एक महीना मेहनत करते हैं, इसका फल बहुत अच्छा है, अपने माता पिता के आशीर्वाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, मनोकामना के लिए, अपना साल भर जो है सुखी संपन्न जीवन रहने के लिए मनोकामना अपना गंगा मैया से मांगते हैं, स्नान दान करते हैं, अपने पितृ के लिए भी अपना दान पुण्य करते हैं, तो इससे लोगों को मन में शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसके लेकर के जो है माघी पूर्णिमा विशेष रूप से माना गया है और दान पुण्य का बहुत अच्छा दिन होता है, इसीलिए आज के दिन इसलिए माघी पूर्णिमा को विशेष दर्जा दिया जाता है। और आज से नहीं, आदि अनंत से चला आ रहा है माघी पूर्णिमा और लोग बाग बहुत से लोग जो हैं साल एक महीना माघी स्नान सुबह भोर में लोग स्नान करते हैं, उसका आज अंतिम दिन है जो माघी पूर्णिमा को नहा करके फिर विश्राम ले लेते हैं लोग, फिर अपना समय के अनुसार नहाते हैं। सूर्य उदय से पहले लोग स्नान करते हैं, घरों में करें, तालाब में करें, गंगा जी में करें, कुआं पर करें, जो नियम करता है। बाकी लोग तो स्नान तो सभी लोग करते हैं अपने घर में। तो आज के दिन जो यहाँ अजयनाथ धाम में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं सर, किन किन जिलों के या कहाँ कहाँ के लोग आए? अजयनाथ तो अभी बाहर से तो इस बार ना अभी नज़र नहीं आए, नेपाल का बहुत कम लोग हैं, बाकी बिहार राज्य झारखंड राज्य बहुत है। तिलेश्वर स्थान से आए हैं, जोर से बोलिए, तिलेश्वर स्थान से आए हैं, बाबा वैजनाथ ला जाना है, अष्टजाम होते आ रहे हैं। क्या महत्व है आज के दिन? आज पूर्णिमा के है सर, मनोकामना क्या बोले? जाना है बाबा वैजनाथ के यहाँ, अष्टजाम होते जा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सुखपुर से आए हैं। कितने लोग हैं? चार से आदमी के। कितने सालों से आ रहे हैं? दो साल से। दो साल से। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा। भागलपुर कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से क्षेत्र में सनसनी, कई लाखों का सामान जलकर हुआ राख। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के डाउडबट चौक के निकट सरजुग मंडल बगीचा में अरविंद शाह पिता बनारसी शाह ग्राम नाथनगर निवासी के कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताते चले कि आग की लपट इतनी तेज थी कि कई आम के पेड़ उसके आग के चपेट में आ गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किया गया, मगर आग इतनी तेज थी कि लोगों की एक ना चली। वहीं गोदाम के संचालक अरविंद शाह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट लगने के कारण आग लगा है, आग से 5 लाख से अधिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। क्या चीज का गोदाम था? कबाड़ी का गोदाम था। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार था। किस चीज का, कैसे ये पता चला आपको? अरे हम गए गाड़ी खटा कराने के लिए, आते थे देखते पूरा आग लग गया। आपको कुछ लग रहा है किस तरह से आग लग सकता है? आपको कोई अनुमान है? यही शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट? हाँ। प्रशासन को फोन किए हैं? क्या चीज का गोदाम था? घंटा पहले फोन किया। क्या चीज का गोदाम था? गोदाम क्या चीज की थी? कबाड़ी खाना है। कबाड़ी खाना। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। बिहपुर ग्वारीडी में मिला ऐतिहासिक कुएं का अवशेष।
बीहपुर प्रखंड के जयरामपुर गांव में ग्वारी डी में पुरावशेषों के मिलने का सिलसिला जारी है। शनिवार को ग्रामीण युवक अविनाश कुमार चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए सर्च अभियान में कोसी नदी के गर्भ में समा चुके हजारों वर्ष पुराने कुएं का अवशेष मिला है। जानकारी मिली है कि उक्त कुआं 20 वर्ष पहले ग्वारी डी में लोगों के उपयोग में था, लेकिन कालांतर में यह कुआं कोसी कटाव में विलीन हो गया था। ग्रामीण बताते हैं कि उक्त कुआं किसने बनवाया था यह किसी को पता नहीं था। फिलहाल यह कुएं के अवशेष के ऊपर करीब 1 फीट पानी प्रभावित हो रहा है। कुएं के अवशेष के अलावा शनिवार को चलाए गए सर्च अभियान में मिट्टी से बने सैकड़ों वर्ष पुराने खिलौने और बर्तनों के अवशेष के अलावा जीवाश्म भी मिले हैं। सर्च अभियान में अविनाश कुमार चौधरी, विकास कुमार, प्रशांत कुमार चौधरी, सौरभ कुमार, विपिन राज आदि की मौजूदगी देखी गयी। बिहपुर उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार शहनवाज हुसैन पहुंचे बिहपुर, कहा एक जिला एक उद्योग के तर्ज पर होगा बिहार का विकास। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन पर बिहपुर में भव्य स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहपुर की धरती से उनका पुराना लगाव है, इसके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मक्का बाहुल्य खेती होने के कारण इस क्षेत्र में मक्का आधारित उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराकर उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं मौके पर बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार सैलन, पूर्व मेयर प्रीति शेखर, पवन चौधरी, झंडापुर मुखिया उषा देवी, कुमकुम देवी, रूपेश कुमार रूप सहित कई अन्य उपस्थित थे। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया वॉलीबॉल क्लब ने नवगछिया पुलिस टीम को 2-0 से किया पराजित। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर अंतिम दिन शनिवार को नवगछिया पुलिस लाइन परिसर में पुलिस पब्लिक संबंध को मजबूत बनाने को लेकर पुलिस पब्लिक के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन SP सुशांत कुमार सरोज ने किया। प्रतियोगिता में 3 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नवगछिया वॉलीबॉल क्लब एवं नवगछिया पुलिस टीम के बीच खेला गया। नवगछिया वॉलीबॉल क्लब की टीम ने 2-0 से नवगछिया पुलिस टीम को पराजित कर विजयी हुई। प्रतियोगिता का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वॉलीबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार को दिया गया। वहीं प्रतियोगिता के समापन के बाद SP सुशांत कुमार सरोज ने विजेता एवं उपजेता को टीम को जर्सी, पैंट एवं मेडल देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के अवसर पर पुलिस मैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद कुमार, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, जितेंद्र कुमार, अजीत कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। हाई स्कूल नारायणपुर के पूर्व प्रधानाध्यापक पर सरकारी गबन राशि का लगा आरोप, प्राथमिकी दर्ज। उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर के पूर्व प्राचार्य शिवेश झा के विरुद्ध भवानीपुर OP में 2,07,300 रुपए की सरकारी राशि गबन का आरोप पत्र गठित होने के बाद वर्तमान प्रधानाचार्य प्रभु रंजन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मालूम हो कि गत माह क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर सैलेन द्वारा निरीक्षण के दौरान शिक्षकों ने हाई स्कूल की जंजर भवन, गंदगी की जमावड़ा सहित वर्ष 2020-21 में विद्यालय की कृषि योग्य लगभग 26.5 जमीन बिना बंदोबस्ती कराए मौखिक एवं अनियमित रूप से तत्कालिक प्रधानाचार्य द्वारा जमीन की बुआई की बात का आरोप लगाया था, जिसे विधायक इंजीनियर सैलेन द्वारा विधानसभा में प्रश्न किया गया, जिस पर जांच टीम गठित हुआ। जांच टीम के द्वारा गठित आरोप के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के निर्देश पर संबंधित प्राचार्य प्रभु रंजन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं विद्यालय परिसर की रंगरोहन एवं साफ सफाई शिक्षा प्रेमी शशिभूषण यादव के द्वारा कराई गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव में 1943 ईस्वी की पुरानी जंजर भवन निर्माण एवं 4 दीवारी के लिए बीते दिनों अधिकारी की टीम ने जायजा लिया है। गोपालपुर, बाइक व ऑटो के आमने सामने की टक्कर में एक महिला की गई जान, 2 महिला गंभीर रूप से घायल। नवगछिया के तिनटेंगा करारी PWD सड़क पर नपटोलिया गांव के निकट बुधुचा गंगा घाट से स्नान कर वापस गंगरा ओपी क्षेत्र के भवानीपुर जा रहे ऑटो व गंगा स्नान को बाइक से कदुआ गांव के पंकज कुमार अपने मित्र के साथ बुधुचक जा रहे थे। दोनों के आमने सामने के टक्कर होने से ऑटो सवार भवानीपुर निवासी इंदिरा देवी की जान घटनास्थल पर ही चली गई। वहीं मौके पर हरनाचक निवासी रूबी देवी एवं ममता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। स्थानीय ग्रामीणों व गोपालपुर पुलिस ने इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल घायल महिलाओं को भेजा, जहां घायल महिलाओं का इलाज किया गया तथा मृत महिला का पोस्टमार्टम कर सबको परिजनों को सौंप दिया गया है।
दूसरी बाइक से सवार लोगों ने बताया कि वे अपने मित्र के साथ बाइक लगाकर खड़ा था कि ऑटो ने धक्का मार दिया, जिससे हम लोग घायल हो गए। गोपालपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। माघी पूर्णिमा को लेकर विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर दूसरे दिन लगा रहा भीषण जाम। माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाने के बाद विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जाह्नवी चौक के पास पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। जाह्नवी चौक के पास गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं के वाहन सड़क पर होने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जाह्नवी चौक पर जाम लग जाने के कारण जाम का दायरा बढ़ते हुए तितरी जीरो माइल तक पहुंच गया था। इसके साथ तितरी जाह्नवी चौक 14 नंबर अप्रोच सड़क भी जाम की जद में था। जाम रहने के कारण भागलपुर आने जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं जाम रहने से भागलपुर जाने वाले यात्रियों को एक घंटे का सफर तय करने में 3 घंटे लग रहे थे। जाम पर काबू पाने के लिए परबत्ता पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वाहनों की लंबी कतार हो जाने के कारण जाम नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। हालांकि माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन स्तर से विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर शनिवार को भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। रानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।